हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप देखोगे टॉप 5 बेस्ट माइलेज कार्स फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया 2020। नंबर 5, रेनॉल्ट क्विड एसटीडी वेरिएंट। रेनॉल्ट क्विड का ये वेरिएंट हमें 2.83 लाख के अराउंड मिल जाता है, जिसमें हमें 799 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 53.3 बीएचपी का पावर और 72 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार में हमें अराउंड 25.17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। नंबर 4, महिंद्रा केवी 100 एनएक्सटी D75 K2 वेरिएंट। महिंद्रा केवी 100 का यह वेरिएंट 5.9 लाख के अराउंड मिल जाता है, जो कि 1198 सीसी का पावर जनरेट करता है। इस कार में हमें 77 बीएचपी का पावर और 190 एनएम का टॉर्क मिल जाता है। इस कार का माइलेज अराउंड 25.32 किलोमीटर पर लीटर का है। नंबर 3, टाटा टियागो XE डीजल वेरिएंट। टाटा टियागो का ये वेरिएंट अराउंड 5.24 लाख के अराउंड आ जाता है, जिसमें हमें 1047 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 69 बीएचपी का पावर और 140 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार में हमें माइलेज अराउंड 27.28 का मिल जाता है। नंबर 2, हुंडई सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट। हुंडई सेंट्रो का ये वेरिएंट हमें 5.47 लाख रुपीस के अराउंड मिल जाता है, जिसमें हमें 1086 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 858 बीएचपी का पावर और 84 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार में हमें 30.48 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। नंबर 1, मारुति सुजुकी वैगनार। मारुति सुजुकी वैगनार CNG LXI ऑप्शन वेरिएंट हमें 5.6 लाख के अराउंड मिल जाता है, जिसमें हमें 998 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 67.04 बीएचपी का पावर और 90 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार का माइलेज अराउंड 33.54 किलोमीटर पर केजी का है।